नमस्कार दोस्तों, नगेंद्र YouTube TV में स्वागत है। जैसा हमने वीडियो में बताया था, किसान भाइयों जो आप लोग KYC कराए हैं, समग्र ID से भूमि लिंक कराए हैं, तो उसकी अपडेट ऊपर पोर्टल पे नहीं दिख रही है, तो आपको दोबारा KYC आधार कार्ड से खसरा लिंक कराना है। भू अभिलेख की साइट पे हम अगली वीडियो में बताए थे, और इस वीडियो के KYC कराने के बाद ही आपकी पूरी KYC ऊपर अपडेट होती है। तो दो दिन से पूरे MP में अपडेट चालू हो गया है, फिर से KYC हो रही हैं, और भू अभिलेख की साइट पे जाके खसरा से आधार लिंक हो रहे हैं। समग्र ID वाली जो KYC थी वो पोर्टल पे नहीं शो हो रही है, पेंडिंग बता रही है, प्रोग्रेस नहीं आ रही है। इसलिए आपको जब तक अपनी भू अभिलेख में खसरा और आधार लिंक नहीं कराते, तब तक आपकी KYC कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो व्यापक रूप से हमारे वीडियो में जैसे हमने बताया था वैसे ही चल रहा है। अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी KYC हुई है कि नहीं, पर अब सभी जगह गांव-गांव घर-घर जाके KYC कराई जा रही है। पंचायत में कैंप लगाया जा रहा है दो दिन से। तो जो लोग सोच के बैठे हैं कि हमने KYC करा ली है, तो वो इस गलत फहमी में ना रहें, दोबारा से जाएं। और आपके आधार में यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक ज़रूर करा लें, क्योंकि इसमें फिंगर नहीं लगते। मोबाइल नंबर की OTP से KYC होती है और भू अभिलेख की साइट में होती है। खसरा और आधार कार्ड लिंक होते हैं, उसी के बाद आपकी समग्र ID KYC शो होती है। तो सभी को कराना है, ये मत सोच लीजिए कि हमने समग्र ID से खसरा लिंक करा लिया है तो हमारी KYC कंप्लीट हो गई है, क्योंकि जब तक आपके आधार कार्ड में खसरा और आधार कार्ड लिंक नहीं होते, तब तक आपकी समग्र KYC नहीं कंप्लीट होती है। तो भू अभिलेख की साइट पे होगी आपकी KYC, तो निकट ऑनलाइन सेंटर, MP ऑनलाइन, CSC सेंटर, नज़दीकी ग्राम पंचायत, सभी जगह हो रही हैं। और कल से व्यापक रूप से शिविर लग रहे हैं, घर घर जाके की जा रही है KYC। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें, और सभी लोग यदि आपके यहाँ नहीं कोई पहुँच पाया है तो आप नज़दीकी CSC सेंटर या ग्राम पंचायत में जाके KYC करा लें, ताकि आने वाली जो भी सुविधाएं हैं आपको उनका लाभ मिल सके, और जो लाभ आपको मिल रहे हैं उससे आप वंचित ना हों। नहीं तो आपकी हो सकता है सारी जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनसे आपको वंचित होना पड़े। तो जल्द से जल्द आप KYC करा सकते हैं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।